Goldstein. And today we are, and my name is Adav. And my name is Advait. और आज हम बनाने वाले हैं omelette, हमारी special recipe. और ये हमारा पहला video है हिंदी में. और अभी हम पहले शुरू करेंगे दो कटोरी और दो fork लेके. अब हम पहले इस अंडे को फोड़ेंगे. और अब हम दूसरे अंडे फोड़ रहे हैं. देखिए और अब हम फेंटेंगे अंडे को. और अब हमारे अंडे फिट चुके हैं और आपका जो अंडा है वो इतना पतला होना चाहिए. देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इतना पतला, वरना वो ज्यादा फ्लफी नहीं बनेगा. अब आप पहले टमाटर काट लीजिए क्योंकि हमें बाद में उसको ऑमलेट के अंदर डालना है. पहले आप टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिएगा और आप प्याज के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिएगा क्योंकि हमें बाद में प्याज को भूनना भी है. अब हम प्याज को भूनेंगे, उसके लिए पहले आप घी डालिएगा वरना बटर जल जाता है. अब घी के बाद हम बटर डालेंगे. अगर आपने सीधे बटर डाल दिया तो बटर जल जाएगा. अब हम प्याज को डालेंगे और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक वो गोल्डन कलर की नहीं हो जाती. और प्याज को तब तक धीमी आंच पे पकाइएगा जब तक वो गोल्डन कलर की नहीं हो जाती. गोल्डन कलर की हो गई है. अब हम उसे पैन से निकाल कर दूसरी कटोरी में डालेंगे. अब आप देख सकते हैं कि प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है. तो अब कटोरी में अलग से डाल के रख दीजिएगा. और अब हमने दोनों अंडों को एक बड़े से कटोरे में डाल दिया है क्योंकि हम सिर्फ एक ही बना रहे थे. अगर आप दो बनाना चाहते हैं तो आप दो अलग अलग कटोरी में भी डाल सकते हैं. अब हम इसमें नमक डालेंगे. और अब हम इसमें काली मिर्च डालेंगे. मुझे ज्यादा काली मिर्च पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज्यादा डालूंगा. अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फेंटेंगे जब तक काली मिर्च अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती. अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे. आपको अपने ऑमलेट में जितना मसाला चाहिए आप उतना डाल सकते हैं. अब हम
इसमें ऑरिगेनो डालेंगे। अगर आप चाहते हैं ऑरिगेनो डालना है आपको तो आप डाल भी सकते हैं, पर ऑरिगेनो टेस्ट ज्यादा अच्छा बढ़ा देगा। और अब हम इसमें जो हमने गोल्डन ब्राउन कलर की प्याज भुनी थी वो डालेंगे। आप जितनी प्याज डालना चाहते हैं आप उतनी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। आपको जितने टमाटर डालने आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे और टेस्ट के लिए। मेरे ख्याल से इतना मैगी मसाला काफी है, इससे टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम बटर डालेंगे थोड़ा सा और ज्यादा नमकीन टेस्ट के लिए। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे जिससे ये ऑमलेट के हर एक कोने पे जा सके। इसमें हम थोड़ी सी घी भी डाल रहे हैं। इसे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा चीज भी डालेंगे। हाँ भाई, चलो और अगर आपको ये ऑमलेट सफी चाहिए तो आप इसको ढक दीजिएगा, और अगर आपको पिज्जा की फील चाहिए तो आप मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं। अब ऑमलेट अच्छे से पक चुका है, अभी थोड़ी देर और पकने देंगे हम धीमी आंच पे। अगर आपने ज्यादा तेज आंच कर दी तो नीचे से वो जल भी सकता है। और जैसा कि आप बीच में चीज की नदी देख सकते हैं, वीडियो देखने के शुक्रिया और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you.